मेरे मित्रों, साथियों, वास्तु के जिज्ञासुओं, इस नए वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको गेट के बारे में विशेष जानकारी देना चाहूँगा कि एक मकान के एक गेट तो होता है। कई आवासीय मकान मैंने ऐसे देखे जिनके दो गेट होते हैं, तीन गेट भी होते हैं, लेकिन चारों तरफ अगर गेट है, यानी कि आप इतने लक्की आदमी भी हैं कि आपके भूखंड के चारों तरफ रोड है, ऐसी स्थिति में आपको चार गेट रखने चाहिए। हर दिशा का जो सर्वश्रेष्ठ गेट है, आपको वहाँ पर गेट रखना चाहिए। यदि ऐसा होता है और यदि ऐसा संभव है तो ये आपके लिए परम सौभाग्य का विषय रहेगा। देखिए, कुंडली का भी इस प्रकार है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चले कहीं बस आपका गेट रखो तुम चार, चार तरफ हो रोड तो मिले पुरुषार्थ चार, मिले पुरुषार्थ चार, चार दिशा गूंजे नाम, कह सब दीन दयाल और कहते राम श्याम, कह वाणी कविराज कोई खुश कोई झले, झले जलने वाले तेरे बस पे बस चले। वाणी कविराज आपको कहना चाह रहे हैं कि चले कहीं बस आपका, यदि आपका बस चले, इफ इट इज पॉसिबल इजीली, यदि आपको आसानी से ये कार्य करना आपके लिए संभव हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि गेट तुमको चार रखने हैं। और यदि आप ये तभी संभव है तब आपके ऐसा विशेष भूखंड आपको मिला है प्रभु की कृपा से, आप परम सौभाग्यशाली की श्रेणी में आते हैं कि आपके भूखंड के चारों तरफ रोड है। ऐसी स्थिति में आपको चार गेट अलग अलग दिशा में सर्वश्रेष्ठ जगह पर रखने हैं। गेट रखो तुम चार, चार तरफ हो रोड, चारों तरफ रोड है, मिले पुरुषार्थ चार। वाणी कविराज कहते हैं कि जीवन के उत्तरार्ध में आप इतने आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर इतने बढ़िया सफल साधक बन जाएंगे कि आपको चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। मिले पुरुषार्थ चार, चार दिशा गूंजे नाम, और आप एक अच्छे साधक, एक बहुत अच्छे भक्त, बहुत अच्छे तपस्वी बनेंगे और चारों दिशाओं में आपका नाम गूंजता रहेगा। कह सब दीन दयाल और कहते राम श्याम, सभी आपको दीन दयाल कहेंगे, आप गरीबों के मसीहा हो जाएंगे। कोई आपको राम कहेगा, कोई आपको श्याम कहेगा, अलग अलग नामों से लोग आपको पुकारते रहेंगे। आपके व्यक्तित्व को हर अलग अलग दृष्टिकोण से देखकर आपका नया नाम निकालेंगे। कह वाणी कविराज कोई खुश कोई जले। देखिए, आप ये ना सोचे सभी आपके मित्र बन जाएंगे, सभी आपसे खुश रहेंगे, नहीं। कोई आपके मित्र भी होंगे तो कोई आपके शत्रु भी होंगे, कोई आपसे खुश रहेगा तो कोई आपसे जलेगा। कह वाणी कविराज कोई खुश कोई जले, जले जलने वाले तेरे बस पे बस चले। जलने वाले जलते रहेंगे, उनकी तुमको चिंता नहीं करनी है, तुम्हारे तो बस पे बस चलेगी। यानी एवरी डे यू विल हैव न्यू प्रोग्रेस, आपको प्रतिदिन नई तरक्की मिलेगी, नया विकास होगा और नया एक कदम आप आगे बढ़ेंगे। ऐसा हमारे वास्तु शास्त्र का एनालिसिस बनता है ऐसी भूमि के लिए। हमने कई प्रकार के मकान देखे, कई प्रकार के भूखंड देखे, लेकिन चार गेट वाले, चार दिशा वाले भूखंड बहुत कम लोगों को प्राप्त होते हैं। लेकिन जिनको हो गए वो भी क्या कि एक दिशा में गेट रख देते हैं, दो में रख देते हैं, बस वो ये चीज़ को जानते ही नहीं कि चारों दिशाओं में जब गेट होते हैं तो वो भूमि का भाव है, वो भूमि का सौभाग्य है, वो कभी कम नहीं पड़ता है, वो भूमि के सौभाग्य सोते नहीं हैं। आदमी के स्टार ऊपर नीचे हो जाते हैं और होते ही हैं, लेकिन उस दिनों में, उन दिनों में भी वो भूमि आपको कोऑपरेट करती रहेगी। देट विल बी ए साइलेंट सपोर्टर फॉर यूर पुअर डेज। थैंक यू।